हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे सिल्क। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवर्म। सिल्क क्या है? एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो किससे प्रोड्यूस होता है? सिल्कवर्म से, मतलब रेशमी कीड़ों से। सिल्क इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स। क्या है? सिल्क को क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, मतलब वस्त्रों की रानी। टेक्सटाइल मतलब वस्त्र, कपड़े। बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल लस्टर्स अपीयरेंस। क्या क्यों कहा जाता है इसको क्वीन ऑफ टेक्सटाइल? क्योंकि इसका जो नेचुरल लस्टर होता है, मतलब चमकीला, प्राकृतिक चमकीले दिखावट बनावट के कारण इसे क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। क्या है? सिल्क के लिए जो सिल्क वॉर्म का रियरिंग किया जाता है, मतलब पालन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। द सिल्क यार्न इज ऑप्टेन फ्रॉम कोकोन्स ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो सिल्क यार्न होता है वो किससे ऑप्टेन होता है? कोकोन्स ऑफ सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म आर फाउंड इन अ नंबर ऑफ वेराइटी। सिल्क वॉर्म है वो कई रूपों में पाया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो डिफरेंट टाइप के रेशमी जो सिल्क वॉर्म होते हैं, रेशम कीट, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग दिखते हैं। द सिल्क यार्न ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सिल्क वॉर्म आर डिफरेंट इन टेक्सचर एंड क्वालिटी। और क्या होते हैं? जो विभिन्न रेशम कीट से जो प्राप्त रेशम के धागे होते हैं ना, वो बनावट और टेक्सचर, उनकी जो बनावट और क्वालिटी उनकी अलग होती है। देयर आर फाइव मेजर टाइप ऑफ सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म। देयर आर मलवेरी सिल्क, टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एंड एरी सिल्क। अलग अलग प्रकार के रेशम कीटों से प्राप्त रेशम, जो अलग अलग रेशम जो सिल्क वॉर्म होता है ना, रेशम से प्राप्त रेशम के पांच प्रमुख प्रकार होते हैं, जो इस टाइप से दीज, जो कौन कौन से हैं? मलबेरी सिल्क, टेसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एंड एरी सिल्क। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। सिल्क इज स्ट्रॉन्ग, शाइनी एंड सॉफ्ट फाइबर। सिल्क क्या है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत, शाइनी एंड सॉफ्ट होता है ना। सिल्क इज अ हाईली इलास्टिक। सिल्क कैसा होता है? लचीला, बहुत ज्यादा लचीला भी होता है। सिल्क फाइबर डाइज वेल। सिल्क फाइबर है वो अच्छे से क्या हो जाते हैं? डाइज मतलब रंग जाते हैं। देयरफॉर एनी कलर ऑन सिल्क फाइबर टेक ऑन अ ब्राइट स्पार्कल। क्या है? इसलिए इसको कोई भी कलर में क्या किया जाता है? ब्राइट स्पार्कल, मतलब अलग चमक से उसको ले सकते हैं। अब देखेंगे हम फोर। सिल्क फाइबर इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। इसमें वाटर का कोई क्या नहीं पड़ता? प्रभाव नहीं पड़ता। ऑल दो डिटर्जेंट्स एंड स्वीट कैन ब्रेक डाउन इट्स फाइबर्स। क्या है? जो सिल्क फाइबर होता है उस पर वाटर का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, पानी का, जिससे डिटर्जेंट एंड स्वीट कैन, जो आसानी से जो स्वेट होता है, पसीना और डिटर्जेंट से ये आसानी से क्या है? टूट जाते हैं, इसके फाइबर्स को तोड़ देता है। फिफ्थ, बीइंग अ गुड इंसुलेटर। ये क्या होता है? बहुत अच्छा गुड इंसुलेटर होता है, बहुत अच्छा अवशोषक होता है। इट कीप्स द पर्सन वियरिंग इट वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। ये क्या है? इसके लिए रखते हैं पर्सन जो भी पहन का वार्म में, विंटर में वार्म के लिए और समर में कूल के लिए इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है? इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब बाहर की गर्मी है, सॉरी अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाती है, और बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं आती है, मतलब उसमें अच्छा क्या है? कुचालक होता है इंसुलेटर, कुचालक, जिसमें कोई कुछ नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल।
सिल्क फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। सिल्क फाइबर में क्या है, जल्दी रिंकल भी नहीं पड़ते हैं, रिंकल मतलब सिकुड़न, जल्दी सिकुड़न उसमें जल्दी नहीं होती है। आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, अगर जो भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। थैंक यू।